हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय। दोस्तों आज मेरे पास आया एक आईफोन 8 प्लस जो कि असम से आया है। तो दोस्तों इस फ़ोन में प्रॉब्लम है कि इसमें टच नहीं चल रही है। दोस्तों इसमें ओरिजिनल डिस्प्ले लगाई हुई है तब भी इसमें और टच बिल्कुल वर्क नहीं कर रही है। इसमें सिर्फ दोस्तों कॉपी डिस्प्ले ही वर्क कर रही है लेकिन ओरिजिनल इसमें नहीं चल रही है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी ही डिस्प्ले इसमें नया लगा रखा है, बिल्कुल फ्रेश है, ओरिजिनल 100% ओरिजिनल डिस्प्ले है वो जो लगाई हुई है। तो इसमें दोस्तों टच नहीं चल रही है। मैंने दोस्तों और भी डिस्प्ले लगाई थी ओरिजिनल, तो उनमें टच नहीं चल रही है और कॉपी में टच सब में चल रही है। तो दोस्तों वही आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको मिलती है आईफोन 8 प्लस में तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो। दोस्तों ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो है कि आईफोन 8 प्लस में ही आपको मिलेगी। ठीक है, देखिए कॉपी डिस्प्ले, दोस्तों ये कॉपी डिस्प्ले इसमें पहले से लगी हुई थी। ठीक है, तो इसमें टच बिल्कुल सही चल रही थी लेकिन ओरिजिनल में टच नहीं चल रही है। मैं आपको वो भी चेक करवा दूंगा। तो मैं इसकी डिस्प्ले जो ओरिजिनल डिस्प्ले है उसको मैं उतार देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। देख जो मेरे पर डिस्प्ले है ये ओरिजिनल, देखिए यहाँ पे एप्पल का लोगो है, ये ओरिजिनल डिस्प्ले है। ठीक है, तो मैं इसको मैं चेक किया था लेकिन टच नहीं चल रही है। और ये देखिए ये है कॉपी डिस्प्ले जो उसमें लगी हुई थी। यहाँ देखिए ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये सब डिस्प्ले में नहीं होता। तो चलिए मैं इसको चेक करता हूँ जो कॉपी डिस्प्ले है। दोस्तों अब मैं इसे ऑन करता हूँ तो चेक करेंगे कि इसमें टच चल रही है या नहीं चल रही है, क्योंकि ये दिक्कत जो दोस्तों है कि ओरिजिनल में ही आ रही है। तो दोस्तों कस्टमर ने कहा है कि मुझे ओरिजिनल डिस्प्ले ही चलानी है, इसमें कॉपी नहीं चलानी, और बीच बीच में टच भी इसकी रुक रही थी। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या है, इशू ऐसा आ रहा है। तो ये कॉपी डिस्प्ले ऑन हो गई है, तो देखिए अब ये टच चल रही है। तो देखा दोस्तों बिल्कुल इसमें टच बिल्कुल बढ़िया से वर्क कर रही है, कॉपी डिस्प्ले में चल रही है लेकिन ओरिजिनल डिस्प्ले में नहीं चल रही। तो दोस्तों आज इसी प्रॉब्लम को हम लोग ठीक करना सीखेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया और आपको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ आईफोन 8 प्लस में ही आती है। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है इसका कारण क्या है कि ये गलती से किसी ने इसमें आईफोन 7 प्लस की डिस्प्ले इसमें लगाई होगी, तो आईफोन 7 प्लस की डिस्प्ले की वजह से ही इसमें दिक्कत आई है। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि आईफोन अगर 8 प्लस में अगर आप 7 प्लस की डिस्प्ले लगा दोगे तो उसमें आईफोन 8 प्लस में ओरिजिनल टच काम करना बंद कर देगी, सिर्फ कॉपी ही चलेगी। तो दोस्तों यही चीज़ इसमें 8 प्लस में ये पता नहीं क्या चीज़ इसमें हो रखी है, क्लेश नया है कि इसमें आईफोन 7 प्लस की डिस्प्ले गलती से लग जाए तो इसमें टच काम करना बंद कर देती है। अगर आईफोन 8 प्लस में 8 प्लस की ही लगाओ तो दोस्तों टच बिल्कुल चलती है, अगर आपने गलती से 7 प्लस की लगा दी अनजान से गलती से तो इसमें टच काम करना बंद कर देगी। दोस्तों सिर्फ इसमें कॉपी डिस्प्ले ही चलेगी। दोस्तों चाइना से जो आजकल माल आ रहा है वो लोग ऐसा करते हैं कि 7 प्लस को 8 प्लस लिख के भेज देते हैं, यहाँ पे दुकानदार लगाते हैं, तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि इसमें आईफोन 8 प्लस की ओरिजिनल LCD चलती ही नहीं है, बल्कि 7 प्लस का ही इसमें दोस्तों कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों अब क्या करना है हमको इसमें, दोस्तों 7 प्लस का ही इसको बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सोचेंगे 7 प्लस कैसे बनाए, तो ये दोस्तों इसमें ये जो डिस्प्ले की वायर है, ये जो वायर दिख रही है आपको, ये टच और डिस्प्ले की है, इसी से काम करता है। और जो छोटी वाली है वो उसकी होम बटन की बैक वायर है। तो देखिए दोस्तों ये जो वायर है बड़ी वाली, ये डिस्प्ले टच दोनों ही एक में कमांड होता है, इसकी वजह से टच हमारी वर्क करती है, डिस्प्ले वर्क करती है। लेकिन ये दोस्तों ये वाला जो पत्ता है ये है होम बटन का। तो दोस्तों इस जो इन दोनों में से हमें एक पत्ते को जो है कि बदलना पड़ेगा। दोस्तों हमें डिस्प्ले का पत्ता तो नहीं बदलेंगे लेकिन जो इसका होम बटन का पत्ता है, तो देखिए मेरे पास ये है दोस्तों 7 प्लस का। दोस्तों आपको ओरिजिनल फ्लैक्स ही ये लेना है। दोस्तों आईफोन 7 प्लस की जो ओरिजिनल होती है उसकी बैक सीट की ये फ्लैक्स होती है, मैंने उसको काट दिया है, काट के अब इसको इसमें फिक्स करेंगे। तो दोस्तों मैं इसमें आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि इस प्रॉब्लम को हम इस तरह सही कर सकते हैं। देखिए क्योंकि दोस्तों ये आईफोन 7 प्लस का है पर हमें अब 7 प्लस के पार्ट्स को आईफोन 8 प्लस में जोड़ना है तभी हमारा टच वर्क करेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं 8 प्लस का ही लगा हुआ है और ये 7 प्लस का है, तो मैं दोस्तों अब इसमें 8 प्लस को हटा के अब 7 प्लस की जोड़ूंगा। ठीक है, तो पहले मैं इस फ़ोन को दोस्तों बंद कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ओके, तो मैंने इसको फोटो भी स्विच ऑफ कर दिया है। इसी बैटरी कनेक्टर को निकाल लेते हैं, उसके बाद डिस्प्ले फ्लैक्स और होम बटन के फ्लैक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमें अब क्या करना होगा, ये जो फ्लैक्स केबल है हमें इस फ़ोन के डिस्प्ले के सब पार्ट्स को खोल लेने हैं और फ्लैक्स कल को लगाना है। तो चलिए दोस्तों मैं इसके सारे के सारे पार्ट्स खोल के दूसरी डिस्प्ले में असेंबल करता हूँ। तो ठीक है, देखते हैं।
तो दोस्तों अब मैंने सारे पार्ट्स तो एक डिस्प्ले से खोल दिए हैं। अब हमें इस जो ओरिजिनल डिस्प्ले है इसमें हमें इस फ्लैक्स को जुगाड़ करना पड़ेगा। दोस्तों मैं फिलहाल अभी पूरी तरह फिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक डेमो दिखा रहा हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को इस तरह से फिक्स कर सकते हो। तो चलिए पहले हम इस फ्लैक्स को अच्छे से बिठा लेते हैं, ठीक है, वेट करते हैं। दोस्तों देखिए मैंने इस डिस्प्ले में इसको जो एक सब कुछ फिक्स कर लिया है, होम बटन भी फिक्स कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसकी अब देखिए मैं अब डिस्प्ले में इसको लगाता हूँ बोर्ड में, ठीक है। दोस्तों मैंने इसमें तीन केबल अब जा रही है, देखिए तीन केबल जा रही है इसके अंदर, एक ये रही वो रही एक डिस्प्ले की है। देखिए दोस्तों तो दो बटन दो फ्लैक्स हैं, वो होम बटन की हो गई और एक डिस्प्ले की। दोस्तों हम जो पुरानी फ्लैक्स होती है वो उसको काट देंगे, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, तभी फ्लैक्स को काटना है। दोस्तों अगर इस जो हमने फ्लैक्स बदली है इससे अगर टच काम कर जाती है तो आपको वो पुरानी वाली जो फ्लैक्स थी वो आपको किसी ब्लेड से साइड से बिल्कुल नीचे से काटनी है ताकि डिस्प्ले का पत्ता ना कटे, उसको वहाँ से उसको काट देनी है ताकि इसमें दो वायर आ जाए, ठीक है। दोस्तों अगर नहीं काटोगे तो ये देखिए इस तरह से बाहर निकल लिए, हम इसको बाद में यहाँ से काट देंगे, ठीक है, ताकि इसमें दो वायर हो और डिस्प्ले बैठ जाए, ठीक है। तो दोस्तों इसको ऑन करते हैं, तो अब छोड़ दोस्तों अब चेक करेंगे इसको कि ये टच इसमें वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, होम बटन भी चल रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम इस फ्लैक्स को काट के उसको फिर डिस्प्ले को फिक्स कर देंगे, ठीक है। दोस्तों इस तरह से इस प्रॉब्लम को मैंने आपको बताया है कि ऐसे करना है। देखिए ये होम बटन के वायर में निकाली हुई है जो उसकी ओरिजिनल डिस्प्ले में थी, तो देखिए दोस्तों इसमें वर्क कर रहा है, तो यानी कि दोस्तों ये वही डिस्प्ले है जिसमें टच वर्क नहीं कर रही थी, अब देखिए वही डिस्प्ले है। और ये तो है कि दोस्तों कि देखिए ये वही कॉपी डिस्प्ले है जिसमें टच वर्क कर रही थी, कॉपी है, ठीक है। तो ये जिसमें दोस्तों ये दिखले कॉपी है, और देखिए यहाँ दिखा दूँ यहाँ पे कोई एप्पल का लोगो नहीं है, तो इसी में दोस्तों सिर्फ टच चल रही थी लेकिन ओरिजिनल में टच नहीं चल रही थी। और अब देखिए आपके सामने वही चीज़ स्टिकर है, वही सब कुछ है इसमें, अब मैंने टच को चला दिया है। तो यानी दोस्तों हमारी प्रॉब्लम जो है कि सॉल्व हो चुकी है, अब हम इसको फ्लैक्स को जो पुरानी वाली काट देंगे और उसको जोड़ देंगे। तो देखा दोस्तों इस तरह से मैंने इस प्रॉब्लम की सॉल्व किया। दोस्तों कभी फ्यूचर में आपके पास सामने भी 8 प्लस का ऐसा कोई इशू आता है तो आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, यानी कि iPhone 7 प्लस का जो उसकी बैक सीट वायर होती है होम बटन की, उसको काट के आप इस डिस्प्ले में जोड़ देना, जिससे कि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको ठीक करना है। जो प्रॉब्लम दोस्तों आती है ये सिर्फ आती है गलती से 7 प्लस की डिस्प्ले अगर इसमें लग जाए तो उसकी वजह से टच स्क्रीन उड़ जाती है, तो कोई भी ओरिजिनल डिस्प्ले इसमें काम नहीं करती है, ठीक है। तो वही दोस्तों आपको मैंने इस वीडियो में समझाया है कि इस तरह से ही इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो कि कॉपी डिस्प्ले अगर नहीं चल रही है, ओरिजिनल नहीं चल रही है, तो आप टेंशन मत लेना, इससे कुछ नहीं होता, कोई IC का इशू नहीं है, कोई कहे कि IC ख़राब हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ गलती से ऐसा हो जाता है कि ये फ्लैक्स की वजह से ही हमारी ओरिजिनल डिस्प्ले काम करना बंद कर देती है, ठीक है। तो क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी और मॉडल की डिस्प्ले किसी और मॉडल में लगाओगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उस फ़ोन के अंदर आ जाएगी। तो यही गलती इस फ़ोन में हुई है कि गलती से 7 प्लस की डिस्प्ले इसमें लग गई है और जिसकी वजह से इसमें 8 प्लस की ओरिजिनल डिस्प्ले काम नहीं कर रही है। ओके, आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई। दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।